नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा बडेरा सच्चा सौदा के बारे में रियल फैक्ट जानने के लिए पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं पब्लिक की सीधी बातचीत। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजे राम इंसा। सर क्या काम करते हैं? वैसे तो जमींदार ही है अपना, और गुरु जी से जुड़ने के बाद, नाम गुरुमंत्र लेने के बाद सेवा में लगे, और एज ए सेवा अब फैक्ट्री में हमें सिम ड्यूटी लगाई हुई है। गुरु जी वो देखभाल कर रहे हैं। सर गुरु जी की जो आप बात कर रहे हो, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा, उनके साथ कब से जुड़े हो? उनके साथ जो इनसे पहले परमपिता जी थे, 89 में हमने नाम लिया था, लेकिन पूर्ण रूप से 95 के बाद में, वैसे कहें तो 2000 के बाद में समर्पित हुए, सेवा में आने का टाइम लगाना शुरू किया। सर फैमिली भी आती है आपकी? हाँ जी, फुल फैमिली आती है। बहन बेटियां भी आती हैं सर? बहन बेटियां तो कहें तो पहले तो आती थी, चली जाती थी, हफ्ता लगाते, 10 दिन लगाते, और जो ये दुनियादारी जो लोग के, उसके बाद मेरा पूरा परिवार ही, पूरी फैमिली यहाँ सेवा कर रही है, उसके बाद गए ही नहीं। सब मेरे घर से मैसेज भी है, मेरी बेटी भी है, वो यहीं सेवा कर रहे हैं, ओनली सेवा। माहौल कैसा है सर? माहौल तो मैंने कहा कि उसके बाद मेरा परिवार यहाँ है तो ऑटोमेटिक ही दिख रहा है माहौल कैसा है। माहौल अच्छा होगा तभी वहीं अपने परिवार को लेके जाएगा कोई ना कोई, नहीं तो कोई पड़ोस में भी जो गंदा परिवार आ जाता है तो वो पड़ोस छोड़ के चला जाता है कि ये पड़ोस अच्छा नहीं है। यहाँ का माहौल त्रिलोक में तो कहीं और है नहीं, बाकी क्या कह सकते हैं। सर जो सर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं गुरु जी के ऊपर, उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में कहना यही है कि संत मंत से जुड़े हैं सबके लिए, आप तो मालिक से दुआई करते हैं, एक बहुत नाजायज गलत लग गया है ये उन पर, तो क्या जो इनके अनुयायी हैं उन पर भी ये कामयाब नहीं होता। यहाँ डेरे सच्चे सौदे के अंदर जो मैन सेवा मिलती है ब्लॉकों की, स्टेट की, तो उनमें ये छानबीन की जाती है कि इसका कैरियर कैसा है, इसका खानदान कैसा है, तब उन लोगों को सेवा में लाया जाता है। तो इनका तो कहना ही, इनके बारे में तो जो लोग कह रहे हैं मालिक उनको सद्बुद्धि दे, और क्यों कह रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। सेवा में भी ऐसे लोगों को लगाया जाता है जो कि उनका कैरियर अच्छा हो, उनका खानदान अच्छा हो, हर तरफ से वो आपकी कमागी खाने वाले हों, ऐसे लोगों को मैन सेवा में लाया जाता है। गुरु जी का नेचर कैसा है सर? बहुत अच्छा। कैसा तो कैसे बताएं, किसी का तुलना तो कर नहीं सकते इन जैसा, किसी का नेचर और का तो है नहीं, और उनसे हटके तो किसी की तुलना तो करने से, नेचर तो उस गुरु जी नेचर बस। गुरु जी ने सर किया क्या है लोगों के लिए? गुरु जी ने किया क्या नहीं ये पूछो तो अच्छा रहेगा, भी गुरु जी ने क्या नहीं किया, सब कुछ किया गुरु जी ने। जो वैसे चलो गवर्नमेंट का नाम नहीं, गवर्नमेंट भी चलो स्कीम बनाती है, अच्छी बनाती है, लागू कब तक होती है कभी नहीं, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकली किया है। जो गरीब हैं, जाति पाति का कोई मतलब नहीं, कोई जात में ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, राजपूत भी गरीब हो सकता है, जाट भी गरीब हो सकता है, एज ए जो गरीब है उनको ऊपर उठाया है, मकान भी बना के दिए काफ़ी जगह, तो मेरा खुद का जाने का सौभाग्य हुआ है ऐसी सेवा में, मकान बनाने में, गरीबों को इलाज करवाने में। तो क्या किया नहीं ये पूछेंगे तो ठीक है, किया तो सब कुछ ही, गरीबों के लिए, असहारों के लिए, बेसहारों के लिए, यहाँ तक कि एक हिंजरा समाज जो लोग कहते थे उनको भी मुख्य धारा में लाने का मेन कारण पिताजी का है, गुरु जी का है। दूसरा वेश्यावर्ती में जो लिप्त लड़कियां थी उनको बाहर निकालने का काम गुरु जी ने किया है, ऐसा और आज तक किसी ने नहीं किया, ना ही किसी ने सोचा, किया तो दूर की बात है। हमारे देश की आर्मी के लिए क्या किया है सर? आर्मी के लिए सब कुछ नोचा, और आर्मी के लिए भी जहाँ भी जितने भी आर्मी कहीं भी जरूरत की, खून की जरूरत पड़ेगी तो जो मर्जी 1000 यूनिट 5000 यूनिट जितनी मर्जी खून की जरूरत पड़ेगी तो देने के लिए तैयार हैं। और भी ऐलान किया था कि आर्मी के लिए जो भी आर्मी या गवर्नमेंट हमारे से मांगेगी हम उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। सर 3-4 सालों से नहीं है गुरुजी समाज में, 3-4 सालों से सर गुरुजी समाज में नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर?
वैसे तो आप पत्रकार हो, मेरे ख्याल अखबार उठा के देख लो तो और अच्छा रहेगा, क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 सालों में अमावस्या की रात आ गई हो गुरु जी के बगैर। इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ, बहुत इफेक्ट पड़ा है। यदि गुरु जी यहाँ लगातार जो कार्य चला रखे थे 134 मानतव रहे कार्य, आज तक हो सकता है वह हजारों में पहुँच जाते और सारा कुछ गरीबों को एक समान रूप में लेके खड़ा करते थे। जरूरत है सर आज उनकी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक सेकंड भी जो लेट हो रही है मेरे हिसाब से तो मतलब लेट ही है। जितने जल्दी गुरु जी को, यदि कोई सुनने वाले हैं, कोई गवर्नमेंट है या कोई भी है, उनको बाहर ले आएंगे तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा होगा। गुरु जी आ जाएंगे तो क्या बदलाव होंगे सर? सारा कुछ बदलाव होगा। गुरु जी आ जाएंगे, नशा पानी छूटेगा, लोग मान्यता बुलाएंगे, काम में लगेंगे, राम नाम में जुड़ेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, हर एक को देख करके खुश होंगे, नेकी की जलेंगे। आजकल दुनियादारी में लोग, चाहे भाई का भाई हो, यदि वो 2 पैसे ज़्यादा कमा लेता है तो ऊपर से कहेगा अच्छा है, लेकिन अंदर से ईर्ष्या होती है। और गुरु जी के जो सानिध्य में चलेंगे वो तय दिल से उसको बधाई देंगे, उसको तय दिल से कहेंगे बहुत अच्छा है, और वो खुद भी सोचेगा मैं भी इसकी तरह मेहनत करके आगे बढ़ूँ। तो गुरु जी की शिक्षा तो गुरु जी की शिक्षा है। मेरा कहीं एक जगह जाने का मौका मिला, मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई शादी में गए थे, वहाँ पूरा गांव ही बस खाली नाम सुना था डेरा सच्चे सौदे का, और कोई नहीं, बैठे चर्चा चल पड़ी। चलते चलते उन्होंने थोड़ी सी नेगेटिव बात करी। आपा प्रेम से पूछे, मो भाई साहब आप कभी गए हो? कह नहीं, गए ही नहीं। आपका कोई नुकसान हुआ है या कोई गुरु जी ने किया हो, या गुरु जी के मानने वाले ने किसी ने आपका कोई नुकसान, जैसे आपके दिल में कोई ठेस पहुंची हो या कोई शारीरिक नुकसान किया? कह नहीं, कोई नुकसान नहीं किया। तो भाई फिर आपके कोई रिलेटिव में, कोई रिश्तेदारी में कोई है ऐसा जो गुरु से जुड़ा आपका है? क्योंकि वो मना करता तो मैं भी उनके रिलेटिव में था, रिश्तेदारी में था। कहाँ है? तो उनसे आपके कोई कभी हानि या कोई नुकसान हुआ है? कह नहीं हुआ। तो फिर आप तो नहीं करना चाहिए ना। आपके रिश्तेदार कितने बदले? कह जी वो तो बहुत अच्छे बदल गए। फिर आपके तो फायदा ही हो गया ना, वो सारे चुप हो गए। कहने का मतलब मेरे को ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसको गुरु जी की वजह से नुकसान हुआ हो। फायदा करोड़ों में लाखों में हुआ है, नुकसान किसी को भी नहीं पहुंचाया गुरु जी ने। सर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर? आरोप तो लगाने वाले जाने और जाने, में इसके बारे में बोलना नहीं चाह रहा। ऐसी सोच क्यों है, क्यों लगाए गए, क्या वजह, या तो मालिक जाने या वो लगाने वाले जो लगाया गया है, इसके बारे में आप सोचते ही नहीं। क्योंकि गुरु जी को मानने वाले भी ऐसे नहीं है तो गुरु जी कैसे हो सकते हैं? मतलब ही नहीं। खानदानी परिवार है, 3-4 पीढ़ियों से जानते हैं। किस चीज़ की कमी है? कोई चीज़ की कमी नहीं है, और ना ही उनको मानने वालों को कोई कमी रहेगी। फिर क्यों लगाया, क्यों नहीं, मेरा तो सोच है कि 100% नहीं, 100% मतलब ये षड्यंत्र है। सर क्या आपको क्या लगता है 3-4 सालों से जो ये सजा है ये किसको मिल रही है, पूरे समाज को या एक संत को? ये तो पूरी त्रिलोकी को मिल रही है मेरे हिसाब से। तो समाज को तो है ही है, पर तो पर आज तक क्या कुछ नहीं होना था। भारत में देखें तो ये ज़्यादातर नॉर्थ साइड में मतलब है, ये यदि पूरे भारत में हो जाता तो पूरे भारत का ही स्वर्ग हो जाता। और ज़्यादा अपने मानते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, तो उनको आप पत्रकार लोग उनको इकट्ठा करके उनसे पूछो, किसी का कोई कीड़ी बीमारी हो तो दूसरे के घर में जाकर। इसी तरह यदि पूरे भारत में जुड़ जाते सारे नाम नाम को मानने वाले होते तो किसी को दुख देने का तो मतलब ही नहीं, स्वर्ग आ जाता धरती पर अभी। तो गुरु जी की तो बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत जल्दी आए उतना ही फायदा है। सर मीडिया में बहुत अलग तरीके से दिखाया गया आए दिन वहाँ यहाँ रहने वाली बेटियों के बारे में, लोग उसी के द्वारा जानते हैं। आप अपनी वीडियो के द्वारा लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा, यदि वो विश्वास करें तो पूरे परिवार सहित आगे यहाँ पर अपने विजिट करें, या फिर भी नहीं माने आपकी तो वो अकेले आएँ और पूरे डेरे में विजिट करें, पहले देखें, फिर अपने परिवार को लेकर आए। 4-5 रोज पहले एक यूपी से आया था, 4-5 लोग आए थे बिजनेस के संबंधी, लेकिन उनकी ये था कि डेरे में आप गुड़ बनाते हैं, वो यूपी से आए, मैं बता ही देता हूँ। क्या हमारे को कहने लगे हम ही आते हैं जी, उनका मतलब था कि गुड़ के बारे में जाएंगे, डेरा देख के आएंगे, हमने टेलीविजन में देखा क्या कुछ है। हमने कहा जी आ जाओ, अच्छी बात है आ जाओ, हम ही चाह रहे थे। वो 5-7 लोग आए, गुड़ लेके आए, गुड़ व्यापार की बात उन्होंने कम करी, फिर उन्होंने विजिट करने की सोची। वो लेट हो गए थे, वो कहे 2-3 दिन बाद आएंगे, लेकिन वो डेरी के बेच कर गए।
तू बिजनेस की बातें कम करी, वो कह यार ये कमाल हो गया, ऐसा तू टेलीविजन में दिखाया। मतलब सुनते हैं कि पत्रकार जो थोड़ा बहुत लूण मिर्च लगाते हैं, लेकिन ये तो सारे लूण मिर्च है, सच्चाई तो बिल्कुल बोली नहीं, उनके मुख्य मुंह की बात है। सरकार से क्या मांग करोगे सर? सरकार से ये मांग कर दें कि वो तहकीकात करें, असलियत पर जाएं, समाज का भला करने की यदि सोचते हैं, राजा जो होता है वो देश का माँ बाप होता है, और जल्दी से जल्दी एक अच्छे पूर्ण संत, हम तो चलो भगवान मानते हैं लेकिन संत ही मानो, उनको जल्दी से जल्दी समाज में लाएं, रिहाई कराएं और उनसे अच्छी शिक्षा लें, वो राज करें, कोई बात नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार आपको दिखा रहे हैं सीधे बात उन फैक्ट से जिनके परिवार भी डेरा सच्चा सौदा में जाते हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, जिनकी फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हुई है और ये लोग आज भी उनके साथ खड़े हैं, फिर क्यों सूत्रों के हवाले से वो दिखाया गया जो ये लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप लोग सोचिए, जिस तरीके से लोग लगातार जुड़ रहे हैं, लोगों का मानना है कि 3-4 सालों से जो सजा समाज को मिल रही है, आज समाज को उनकी सख्त जरूरत है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।